हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 5। हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक जल लेखनी अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व कर लिया था। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 और 5। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रदत्तानि वाक्यानि शुद्धं कृत्वा लिखतो। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, यानी सही करके लिखना है। अब त्वं गुरु न मथ, पहला वाक्य है। अब त्वम करता है, करता हमेशा किसके साथ होता है? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ त्वम होता है। तो और यहाँ दिया गया है नमतः, यानी द्विवचन की क्रिया है। तो यहाँ हमें क्या करना है, क्रिया के अनुसार हमेशा करता होता है। तो नमतः द्विवचन की क्रिया है, इसलिए द्विवचन के साथ कौन सा करता होता है हमेशा? यूयम। और त्वम अगर है तो क्या होगा? असि। तो त्वम गुरुं नमसि, कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया होती है। इसलिए कर्ता त्वम है, इसलिए क्रिया भी उसी तरह होनी चाहिए। त्वम हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए त्वं गुरुं नमसि। नेक्स्ट यूयम भोजनम खादति। अब अति प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन की यहाँ क्रिया है, और यूयम यानी यूयम हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन के लिए। मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं यूयम। तो यहाँ किस तक क्या होना चाहिए, क्रिया कौन सी होनी चाहिए? यूयम भोजनम खादत, यूयम भोजनम खादत। नेक्स्ट युवाम उच्च ही वदावह। अब युवाम करता हमेशा हम द्विवचन के लिए प्रयुक्त करते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए, इसलिए हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। तो युवाम उच्च ही वदथ, युवाम उच्च ही वदथ। नेक्स्ट यूयम पुस्तकम पठसी। अब यूयम हम हमेशा मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए प्रयुक्त करते हैं, और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया कौन सी है? सामान्य प्रत्यय अथ। तो क्या होगा, पठ, क्या होगा? पठत। नेक्स्ट यूयम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत। त्वं बालकाः स्थः। अब कर्ता मध्यम पुरुष एकवचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की चाहिए। त्वं बालकाः असि, त्वं बालकः। अब बहुवचन है, इसलिए बालकः है यहाँ पे, तो हमें एकवचन त्वं एकवचन का है, इसलिए त्वं बालकः असि, तुम बालक हो, तुम बालक हो। त्वम अपि क्रीडतः, त्वम अपि क्रीडसि, तुम भी खेलते हो, क्रीडसि। इस तरह से यह वाक्य हो। इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ कंप्लीट किया है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रदत्तायाः मञ्जूषायाः पदेषु धातून् चित्वा लिखतु। दी गई मञ्जूषा से धातु चुनकर आपको लिखने हैं। अब यहाँ इसमें धातु कौन से हैं, कुछ शब्द भी दिए गए हैं इसमें, और धातु। अब इसमें धातु कौन से हैं यह हमें लिखना है, ठीक है? हाँ, तो धातु कौन से है इसमें?
काकह धातु है क्या? शब्द है, तो धातु कौन सा है? हस। हस चल त्रु पत यानी गिरना, वह त्यज स्मृ पा वद नी खाद रच रक्ष और लिख, जो मैंने आपको यहाँ रेखांकित करके दिए, अंडरलाइन करके दिए हैं, वह है धातु और बाकी के क्या है? शब्द रूप है। ठीक है, यहाँ हमें धातु लिखने हैं, इसलिए मैंने जो अंडरलाइन किए गए हैं वह सब धातु आपको यहाँ नीचे लिखने हैं। तो आज के लिए आपका प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 होमवर्क है, जो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।